नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:49 तक रहेगी। आज सुबह 9:12 तक धृत योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:55 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आज कालाष्टमी है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 जनवरी की देर रात 2:17 से अगली सुबह 6:46 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 27 जनवरी की सुबह 8:51 से अगली सुबह 6:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 7:12 से दोपहर पहले 11:04 तक, और फिर दोपहर 12:39 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 7:42 से सुबह 9:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 7:42 से सुबह 9:21 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 9:21 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:43 से 10:17 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:42 से शाम 5:27 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 2 फरवरी की सुबह 9:01 से सुबह 9:45 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:10 से शाम 4:56 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 9:21 से दोपहर पहले 11:34 तक, और फिर दोपहर 1:09 से दोपहर 3:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 26 जनवरी की दोपहर पहले 11:12 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 3:14 से शाम 4:34 तक। मुंबई दोपहर 3:39 से शाम 5:03 तक। चंडीगढ़ दोपहर 3:13 से शाम 4:33 तक। लखनऊ दोपहर 3:01 से शाम 4:22 तक। भोपाल दोपहर 3:17 से शाम 4:40 तक। कोलकाता
दोपहर 2:35 से 3:57 तक, अहमदाबाद दोपहर 3:37 से 4:59 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 3:14 से 4:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा, आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा, छात्रों को आज बेहतर परिणाम हासिल होंगे। साथ ही जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको शिक्षकों से पढ़ाई में पूरी तरह मदद भी मिलेगी, आप पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिलेगा, पैसों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आप लंबे समय से रुके कार्यों को समाप्त करने में सफल होंगे। आज किसी खास व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा, आज आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, करियर को और बेहतर बनाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आप अपनी योजनाओं में बदलाव करेंगे, आज आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आज करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा, आज आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आप बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, साथ ही आप अपने किसी खास दोस्त को भी ले जाएंगे। आज आपको ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लोग आज आपके आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज आपको बिजनेस से संबंधित मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, आपका खर्च बढ़ सकता है, आप अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा, आपको किसी खास काम में सफलता हासिल होगी। आज आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे, आज आपको किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा, आज आपका जीवन साथी आपकी ईमानदारी से प्रभावित होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा, साथ ही वो अपनी दिशा को निर्धारित करने में कामयाब होंगे। कारोबारियों को अचानक धन लाभ होगा, कार्यों में दोस्तों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा, रुके हुए कामों में आपको भाई की सहायता मिलेगी। आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें पूरा करने में आप सफल होंगे। पहले किए गए अच्छे कामों का आज आपको फायदा मिलेगा, आज आप करियर में आगे बढ़ेंगे, काम को लेकर कुछ नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपको खुशी मिलेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा, आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने के प्लानिंग बनाएंगे। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, आपको किसी काम से एक्स्ट्रा भागदौड़ करनी पड़ेगी। किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आज आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आप सफल होंगे। धन लाभ के लिए कुछ नए सोर्स नजर आएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा, शाम तक आपके घर में खुशी का माहौल बनेगा, साथ ही रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। आज आप परिवार के साथ बातचीत करके अपनी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। आज कारोबारियों को बड़ा फायदा होने के योग बने हुए हैं, आज आपकी समझदारी आपको हर प्रकार की मुसीबतों से दूर रखने में सहायता करेगी। पारिवारिक कार्यों की वजह से आज आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, आज परिवार में नन्हे मेहमान के आने की संभावना है। कामकाज में नए बदलाव करने से आपको बचना चाहिए, आज आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9।
धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपको तरक्की के नए मौके मिलेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। साथ ही आप उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा करने से बचना चाहिए। लवमेट्स के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपको किसी से भी फालतू की बातें करने से बचना चाहिए। ऑफिस में सीनियर्स की मदद से आपकी सारी मुश्किलें दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। बाहर जाते समय रास्ते में किसी करीबी दोस्त से आपकी मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आपसे खुश होंगे। अगर नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आगे चलकर आपको काफ़ी फायदा होगा। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। लवमेट किसी ट्रिप का प्लान बनाएंगे। व्यापार के मामले में कुछ अनुभवी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आप अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाएंगे। आज सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। जीवन साथी के साथ चल रही समस्याएं आज समाप्त होंगी। व्यापार की गति बढ़ाने के लिए आज आप नया प्लान बनाएंगे। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव करेंगे। भविष्य में इसका लाभ भी मिलेगा। आज आप दूसरों की बात को गंभीरता से सुनने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप अपनी काबिलियत से काम को सरलता पूर्वक पूरा कर लेंगे। व्यापारिक धन लाभ होगा, इजाफा होगा लाभ में। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। करियर में आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हल्दी से तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता के दर्शन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी धार्मिक कार्य में सहयोग देंगे। आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। मूलांक 2, लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके काम करने का तरीका सबको पसंद आएगा। मूलांक 3, लवमेट से आपको गिफ्ट मिलेगा। जीवन में प्यार की बहार आएगी। मूलांक 4, व्यापार के किसी काम में आपको दोस्त की मदद मिलेगी। आपकी परेशानी कम होगी। मूलांक 5, घर में बच्चों की रौनक बनी रहेगी। आप घर के सब सदस्यों के साथ बाहर डिनर करने जाएंगे। मूलांक 6, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिलेगा। मूलांक 7, आज आपका मन खुश रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। मूलांक 8, घर में खुशियां बनी रहेंगी। बच्चे किसी कंपटीशन में जीत हासिल करेंगे। मूलांक 9, आज का दिन बेहतर रहेगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बताएंगे किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। जिस प्रकार सही दिशा में घड़ी लगाने से अच्छा वक्त आता है, अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, उसी तरह घर या ऑफिस में अगर गलत दिशा में घड़ी लगी हो तो ये आपके लिए नकारात्मक परिणाम ला सकती है। इसलिए सही दिशा का चुनाव करना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस की दक्षिणी दिशा की दीवार पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और हमारे शास्त्रों में यम को मृत्यु का देवता माना गया है। इस दिशा में घड़ी लगाने से बिजनेस के मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। विकास की गाड़ी बीच में ही अटक के खड़ी हो जाती है। साथ ही घर के लोगों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। घर की दक्षिण दिशा के अलावा घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर भी घड़ी लगाना अवॉइड करना चाहिए। तो आज के वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:49 पर रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 9:12 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास करना या भूमि पूजन करना उत्तम माना गया है। इस योग में घर की नींव रखना आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि किसी के लिए किसी घर का शिलान्यास आदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज सुबह 10:55 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा।
चित्रा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल कर ही चुके हैं, आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। लिहाजा इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले द्वितीयोग और स्वाति नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली कालाष्टमी की। आज कालाष्टमी है। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। भैरव जी के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, काल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और बटुक भैरव। आज इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो आज कालाष्टमी के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए, जीवन में खुशहाली पाने के लिए और परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो, जब भैरव जी के स्वरूप की बात करते हैं तो 3 स्वरूप बड़े प्रसिद्ध हैं, तंत्र शास्त्रों में दिए हैं। एक काल भैरव जो प्रौढ़ है और मदिरा पान करते हैं, दूसरे स्वर्णाकर्षण भैरव जो युवा है, और तीसरे बटुक भैरव भैरव जी का बाल रूप है। आपने देखा होगा एक बच्चा, शंकर जी जैसा एक बच्चा एक हाथ में सर पकड़े हुए है, एक हाथ में भाला लिए दौड़ा चला जा रहा है, वो बटुक भैरव का स्वरूप है, भैरव जी का शिष्य रूप है। और गृहस्थों को ज्यादातर बटुक भैरव की उपासना ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाएं, और चढ़ाने के बाद उसमें से 11 उड़द के दाने गिनकर रैल निकाल लें और उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ ये मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ऐसा करने से, आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस दूसरे शहरों तक बढ़ेगा। और अगर आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और दीपक जलाते समय 2 बार मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। साथ ही भैरव जी से अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख साधनों में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। और अगर आप जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको किसी साफ नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए और उसके बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप किसी नदी या तालाब में न जा सके तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा नदी का ध्यान करते हुए स्नान कर लें और उसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण के बाद भैरव का मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो उसे अपने जीवन से दूर करने के लिए आज आपको सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी लेकर काले कुत्ते को डालनी चाहिए। रोटी पर तेल चुपड़ते समय भैरव जी का ध्यान करते हुए 5 बार मंत्र जरूर पढ़ें। मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है तो उस भय से छुटकारा पाने के लिए आज आपको भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा रखना चाहिए। उस धागे को 5 मिनट के लिए वहीं पर रखा रहने दीजिए और इस दौरान मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। 5 मिनट बाद उस धागे को वहां से उठाकर अपने दाहिने पैर में बांध लीजिए।
आज के दिन ये उपाय करने से आपको जल्दी ही भय से छुटकारा मिलेगा। और अगर आपको अपने बिजनेस में पार्टनर से पूरी तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आज आपको रोटी में शक्कर मिलाकर उसका चूरमा बनाना चाहिए और उसको उससे भैरव बाबा को भोग लगाना चाहिए। साथ ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। मंत्र जाप के बाद थोड़ा सा चूरमा प्रसाद के रूप में स्वयं खा लें और बाकी प्रसाद को दूसरे लोगों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको पार्टनर से सहयोग मिलेगा और आपके काम भी जल्दी ही पूरे होंगे। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है, जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो अपनी और अपने जीवन साथी की परेशानी को दूर करने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद एक बार भैरव जी के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की परेशानी दूर होगी, जिससे आपकी परेशानी का भी हल निकलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है, जिसके असर से के चलते आपका बच्चा तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो आज एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करते हुए अपने बच्चे के सिर से 7 बार उतार लें। ध्यान रहे 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉक उतारना है। उतारने के बाद उन तिलों को किसी बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कर दें और तिल प्रवाहित करते समय मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के सिर से जादू टोने का असर समाप्त होगा और वो तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएगा। अगर आप किसी बात को लेकर दुविधा में पड़े हुए हों और आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दुविधा का हल निकालने के लिए आज आप 7 बिल्वपत्र लें और उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर चंदन से ओम लिखें। इसके बाद उन बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें। इसके बाद मन ही मन भैरव जी का ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी दुविधा से निकलने में आसानी होगी। आप जल्द ही कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत अधिक हो गई है, जिसकी वजह से आपके परिवार के लोगों का किसी काम में अच्छे से मन नहीं लगता, तो आज आपको मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर उसमें 7 गांठें लगाकर अपने घर के मेन गेट पर बांधना चाहिए। एक एक गांठ लगाते समय मंत्र का भी जाप करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से निगेटिविटी दूर होगी और आपके परिवार के लोगों का काम करने में मन लगने लगेगा। अगर आप अपने आर्थिक लाभ को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद भैरव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें जलेबी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको मिलने वाले आर्थिक लाभ में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद भैरव बाबा को काले तिल अर्पित करने चाहिए। साथ ही घंटा या घंटी बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और आपके काम भी समय रहते पूरे हो जाया करेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज कालाष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बिजनेस के बारे में आपको कोई अच्छी राय मिलेगी। B, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आज राहत मिलेगी, आपको बेहतर फील होगा। C, आपको अचानक से कोई शुभ समाचार मिलेगा, आप अपनी खुशी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे।
डी किसी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। ई फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएंगे, सब लोग आपस में खूब मस्ती करेंगे। एफ महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है, आज अपनी महिला दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में जाएंगी। जी करियर में आपको, देखिए किट्टी पार्टी में तो जाइए लेकिन ध्यान रखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। जी करियर में आपको जल्द ही कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है, यह सफलता आपके करियर को चार चांद लगा देगी। एच आज आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। आई आज का दिन बढ़िया रहेगा, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। जे बचपन के किसी दोस्त से मुलाकात होगी, उसके साथ आप घूमने भी जाएंगे। के छात्रों के लिए दिन बेहतर रहेगा, आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा। एल आज आपके विरोधी आपके कार्यों में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश करेंगे। एम किसी रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने के लिए नया प्लान बनाएंगे। एन बिजनेस में जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए में सफल होंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। ओ आज आपको दूसरे लोगों से कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा, ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। पी ऑफिस में काम करते समय बचपन की कोई बात याद आ सकती है, इसे मन ही मन खुश रहेंगे। क्यू लवमेट किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे, साथ में आपका समय अच्छा गुजरेगा। आर कारोबारी किसी लोगों को किसी डील के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। एस घर पर रिश्तेदार आएंगे, उनके स्वागत में आप बिजी रहेंगे। टी आज आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। यू आज का दिन अच्छा रहेगा, रुके हुए काम में किसी मित्र की मदद मिलेगी। वी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आज आप सफल होंगे, जीवन में खुशी आएंगी। डब्ल्यू आज किसी भी चीज का फैसला लेने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। एक्स आज के दिन किसी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, आपकी सारी मुश्किलें दूर होंगी। वाई अपनी काबिलियत से सभी कामों को आसानी से पूरा कर लेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। जेड परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे, भगवान के दर्शन कर आपका मन खुश होगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं जाखू हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर हिमाचल की राजधानी शिमला में जाखू नाम की पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। जाखू पहाड़ी शिमला की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, यहाँ से पूरे शहर का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। मान्यता है कि हनुमान जी जब घायल लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब उन्होंने इस मंदिर के पास विश्राम किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी के पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र में आज भी हम हाथ के अंगूठे के कुछ अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कल आपको बताया था कि जिन लोगों के अंगूठे का दूसरा भाग पहले भाग की अपेक्षा बड़ा होता है वो मन के बजाय तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं, वहीं इसके विपरीत जिनके अंगूठे का पहला भाग दूसरे भाग की अपेक्षा बड़ा होता है उन लोगों की तर्क क्षमता बहुत कमजोर होती है, इसलिए ये लोग दिमाग के बजाय दिल से ज़्यादा फैसले लेते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिन लोगों का अंगूठा बहुत नरम और लचीला होता है ये लोग बहुत ही खर्चीले किस्म के होते हैं, इन लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हाथ के अंगूठे के कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि में नारियल का प्रयोग आपके बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि कल सुबह 6:26 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी तिथि कल पूरा दिन पार करके भोर 4:35 तक रहेगी, अतः कल सुबह 6:26 तक आपको नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कल पूरा दिन पार करके भोर 4:35 तक आपको लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा
एहि रुद्र आज्ञा पयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को प्रणाम करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।